डिग्री स्कूल डिंगरो और सिरसा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस मेजरमेंट एंड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बड़ी यूनिट है स्टैंडर्ड किलोमीटर्स को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर्स को किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं कैसे होता है। सपोज करो कि मेरे पास क्या है 148 मीटर, तो मीटर्स को अब हमने किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारे पास जैसे आपको पता है कि एक किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में होते हैं हमारे पास 1000 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, मीटर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सपोज करो कि 1248 है, इसको मैंने क्या किया, 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, आपको पता है कि 30 है लास्ट में, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, 1.248 किलोमीटर। तो अब मैंने क्या किया, मीटर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हम नेक्स्ट लेते हैं, इसको मैंने क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जब हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो देखो कैसे करते हैं, 124 को क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये क्या आ गया, 1400 सेंटीमीटर। तो अब जब मैंने मीटर्स को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया है तो उसमें मैंने क्या किया, इसको 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, जब मैंने 1248 को क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया, तो उसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स, हमारे पास आपको सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं और हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि जैसे मेजरिंग टेप है, तो आपने जैसे टेलर है तो वो क्या करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। ऐसे कोई भी शॉपकीपर है, जैसे फैब्रिक जो सेल करते हैं, क्लॉथ शॉप है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो स्केल का यूज़ करते हैं, जो मीटर स्केल होता है उसका यूज़ करते हैं फैब्रिक को मेजर करने के लिए। ऐसे सपोज करके हमने प्लांट्स की क्या करनी है, मोटाई को नापना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। और हमने किसी भी स्पोज करो कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लाइन नापने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास स्पोज करो कि कर्व है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास कर्व है, इसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड से क्या करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करने के बाद कहेंगे हमें स्केल से उसकी क्या करेंगे, लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम मेजरिंग डिवाइस से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि हम जो छोटी यूनिट होती हैं उसको बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं उसको हम कैसे लेंथ को हम उससे मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट तो अब हमारा जो ये मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस आपका जो चैप्टर था वो डन हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको ऐप पे सेंड कर दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।